क्लास 5 आईएमओ में टोटल 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है। सेकेंड सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग का है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है। थर्ड सेक्शन एवरीडे मैथमेटिक्स है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है। फोर्थ सेक्शन जो है अचीवर सेक्शन है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं और टाइम जो दिया गया है वो है 1 घंटे का। एसओएफ के किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द नंबर व्हिच विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। क्वेश्चन में हमें टोटल 7 अलग अलग नंबर दिए गए हैं, सो हमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा को अरेंज करना है, और फिर जो बीच में जो नंबर आएगा यानी कि 3 एक तरफ, 3 नंबर एक तरफ, और बीच में जो नंबर आएगा उसका मिडल डिजिट जो है हमें बताना है। इन नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, बड़े से छोटे में अरेंज करने के लिए ये 3 नंबर दिए गए हैं जो कि हंड्रेड्स में है। सो पहले तो हम हंड्रेड्स वाली प्लेस को देख लेते हैं कि कौन सा हंड्रेड्स प्लेस सबसे बड़ा है। यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस में एक जगह है 875, सो ये नंबर जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद है 725, देन उसके बाद दो नंबर है जो 44 से शुरू होते हैं जो कि है 493 एंड 423। सो इन दोनों में से जो टेंस की प्लेस हम देखेंगे तो 493 बड़ा है। अब इसके बाद हो जाएगा 317, देन अगेन दो नंबर्स हैं जिसका 100 प्लेस में है 2, और तो उसका हम लोग 10th प्लेस देख लेंगे तो 283 का 10th प्लेस 269 से बड़ा है, और लास्टली आ जाएगा सबसे छोटा नंबर जो कि है 269। सो इन सातों डिजिट में जो सेंटर में जो नंबर है वो है 423, और इसका जो मिडल डिजिट है वो हो गया 2। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 2, मोहित ट्रेवल्स 12 किलोमीटर वेस्ट, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, and then 12 kilometers towards east. How far is he from the starting point? So ये red color में जो हमने mark किया है वो है मोहित का starting point. वहाँ से वो 12 kilometer west की तरफ गया, फिर 3 kilometer south की तरफ गया, और फिर 12 kilometer east की तरफ गया. अब हमें बताना है कि starting point से वो अब कितनी दूरी पर है. जो ये जो purple color में हमने mark किया है वहाँ से red point जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल में दो साइड सेम होती है, लेंथ दोनों साइड का सेम होता है, ब्रेथ दोनों साइड का सेम होता है। सो ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2, एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स 3 एंड 4 बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर 4। पहले तो हम फिगर 1 और फिगर 2 में रिलेशन क्या है वो पता कर लेते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन की साइन है वो इस नेक्स्ट फिगर यानी फिगर 2 में प्लस की साइन हो गई है, तो ये घड़ी की तरह घूम करके ऐसे हो गई है। उसी तरीके से जो फिगर नीचे साइड में है जो डॉट है ब्लैक कलर का, वो इस साइड में खाली डॉट बन गया है। सो फिगर 3 में जो ऊपर में आप एक हाफ ट्राइंगल देख सकते हैं, वो इस साइड में जाके क्लॉकवाइज घूम करके वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो ये ब्लैक डॉट है वो इस तरफ आकर के खाली बन जाएगा। सो जैसा कि हमने ये बनाया है रेड कलर में, उस तरीके का जो हमें चारों ऑप्शन में से दिख रहा है वो सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है जिस तरीके से क्लॉकवाइज यहाँ पे टिल्ट हुआ हुआ है, उस हो सकता है कि ये ट्राइंगल भी उसी पोजिशन में टिल्ट हुआ होगा यानी घड़ी की तरह गिरा हुआ होगा, तो ये इस तरह फेस करेगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 4, रेक्टेंगल ए सी ई जी बिलो इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, बी सी डी एक्स इज स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। क्वेश्चन इमेज में एक रेक्टेंगल दिया गया है ए सी ई जी जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बी सी डी एक्स जो है स्क्वायर है, बाकी के 3 पार्ट्स जो हैं वो रेक्टेंगल हैं। उन सब में से 2 पार्ट्स का आपको मेजरमेंट दे दिया गया है, एक पार्ट है जो शेडेड है उसका मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमें स्क्वायर का एरिया मालूम है, वो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, देयरफॉर
साइड को जो है हम ले लेते हैं s, सो s square जो है हो जाएगा 4, therefore square root of 4 is equal to 2, therefore s is equal to 2. और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो उसकी हर एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की आ जाएगी. सो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे ए बी एक्स और एच रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ. सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये बी एक्स की जो लेंथ है वो हो गई 2 सेंटीमीटर और ऑब्वियसली जब ये रेक्टेंगल है तो उसके सामने वाला जो पैरेलल पार्ट है वो भी 2 सेंटीमीटर ही होगा. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एल इंटू बी. ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी है जो कि है 2 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 इज इक्वल टू एल इंटू 2, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल 8 सेंटीमीटर. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेंथ जो है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड की सेम होती है, सो यहाँ पर भी दोनों साइड जो ऑपोजिट हैं उसकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दोनों साइड की हो जाएगी 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. सो अब लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी और ब्रेथ हमको पता है 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू एल इंटू 2, देयरफॉर 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एल. सो वी गेट लेंथ ऑफ साइड XF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और उसकी जो ऑपोजिट साइड है HG, सो उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर. अब जो ये शेडेड पार्ट में जो रेक्टेंगल बना हुआ है HXF और G, सो उसका हमें लेंथ भी पता चल गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी पता चल गया 4 सेंटीमीटर और एरिया का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 8 इंटू 4 हो जाता है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन बी. Question 5. Rohan cycled from his house to the post office, then to the market, then to the hospital, and then he went to his house. The distances are marked in the given figure. What is the total distance covered by Rohan? यहाँ क्वेश्चन में रोहन जो है साइकिल से हाउस से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से मार्केट और वहां से कुछ और जगह गया और हर एक का डिस्टेंस यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं किलोमीटर्स में दिया गया है. आपको बताना है कि इन टोटल डिस्टेंस कितना है. सो क्वेश्चन में है कि सबसे पहले वो हाउस से पोस्ट ऑफिस गया. सो हाउस से पोस्ट ऑफिस है 1.6 किलोमीटर्स, फिर पोस्ट ऑफिस से वो मार्केट गया जो कि है 1.3 किलोमीटर्स, फिर मार्केट से हॉस्पिटल गया जो कि है 6.65 किलोमीटर्स एंड लास्टली हॉस्पिटल से अगेन वो अपने घर की तरफ गया जो कि है 0.75 किलोमीटर. इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा ऑप्शन डी 10.3 किलोमीटर्स. क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट. चारों ऑप्शन दिए गए हैं जो कि रोमन में है. आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. इसको पता करने के लिए हमको 1 by 1 चारों को सॉल्व पहले करना होगा. ऑप्शन ए से शुरू करते हैं. एक्सेल की वैल्यू है 40 और 3 आई की वैल्यू है 3, सो ये हो गया 43. अगेन एक्सेल की वैल्यू हो गई 40 और इसकी वैल्यू हो गई 4, यानी 43 प्लस 4 इक्वल टू 77. ऑप्शन बी में है एल एक्स एक्स एंड देन 9. L की वैल्यू हो गई 50, X की वैल्यू हो गई 10, अगेन X की वैल्यू हो गई 10, सो 50 प्लस 10 60, देन 70 और लास्ट के I और X की वैल्यू हो गई 9, सो इसका ओवरऑल टोटल हो गया 79. सेकेंड पार्ट है इसका X X X जो कि है 10 प्लस 10 प्लस 10 30 और 9 जो कि हो गया 39, सो 79 माइनस 39 इज इक्वल टू 40. ऑप्शन सी हो गया XC जिसकी वैल्यू है 90 प्लस 9 हो गया टोटल 99. सेकेंड पार्ट में है LX जिसकी वैल्यू है 60 एंड देन यू हैव 8, सो 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 68, सो 99 माइनस 68 इज इक्वल टू 31. ऑप्शन 4 में हो गया L जिसकी वैल्यू है 50 एंड देन 7 जिसकी वैल्यू है 7, सो टोटल हो गया 50 प्लस 7 57. सेकेंड पार्ट में है XL जिसकी वैल्यू है 40, सो 57 प्लस 40 इज इक्वल टू 97. चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है वो है ऑप्शन डी 97. क्वेश्चन 7. मिस्टर गुप्ता बॉट ए हाउस फॉर रुपीज 16,72,000. ही स्पेंट रुपीज 12,582 ऑन द फर्नीचर and rupees 8,540 on buying the curtain. Then he spent another 5,675 for preparing the front lawn of the house. How much money did he spend altogether? So, यहाँ पे बात हो रही है मिस्टर गुप्ता की जिन्होंने एक घर खरीदा जिसकी अमाउंट हो गई 16 लाख समथिंग. उन्होंने कुछ और खर्चे किए जैसे फर्नीचर खरीदा 12,582 का
और पर्दे खरीदे जिसकी अमाउंट आ गई 8,540। फिर घर के आगे उन्होंने लॉन बनवाया जिसका खर्चा हो गया 5,675 रुपीस का। सो अब आपको टोटल बताना है इन सबको ऐड करके कि टोटल अमाउंट कितनी खर्च हुई है। फिर सिंपली हम ये सारे जो मनी है जो उन्होंने स्पेंड किए हैं उन सबको हम एड अप करते जाएंगे। सो टोटल अमाउंट जो स्पेंड की है मिस्टर गुप्ता ने वो है 16,98,797 जो कि है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, मिनी टूक 35 मिनट्स टू कंप्लीट हर वर्क। शी फिनिश्ड हर होमवर्क एट 12:05 PM। व्हाट टाइम डिड शी स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क? मिनी जो है अपना होमवर्क कंप्लीट की 12:05 PM को और ओवरऑल उसको जो टाइम लगा वो था 35 मिनट्स का। सो आपको बताना है कि उसने होमवर्क का स्टार्ट कब किया था। सो हमको यहाँ पे एंड टाइम पता है जो कि है 12:05 PM का। सो इसका मतलब है कि हम जो है पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। सो 12:05 में से जब हम 5 मिनट को घटा लेते हैं तो हमारे हो जाएंगे 12 PM हो जाएगा। अब बच गए कि बाकी के 30 मिनट्स हमें घटाने हैं तो हम क्या करेंगे, 12 आवर्स में से 30 मिनट्स को घटाएंगे तो वो हो जाएगा 11:30 AM, क्योंकि 12 बजे के बाद तो AM PM चेंज हो जाता है और क्योंकि बाद वाला टाइम यहाँ PM में दिया हुआ है तो 12 बजे से पहले जो टाइम होगा वो AM में होगा। Hence option B 11:30 AM is the correct option। अचीवर सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि उसका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 9, मोनो इज थिंकिंग ऑफ अ 4 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट। मोनो जो है 4 डिजिट का अंक सोच रहा है। सो ऑब्वियसली वो होगा 1000 प्लेस वाला। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट इज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। सो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 9। सो हमको क्या मिल गया है, 1 प्लेस की वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ हम फोर्थ कंडीशन को देख लेते हैं बिकॉज सेकेंड और थर्ड कंडीशन से उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो फोर्थ कंडीशन है द 1000 प्लेस डिजिट इज डबल ऑफ 2 और 2 का डबल होता है 4। सो 1000 की जगह पर हो जाएगा 4। यहाँ पे हम चारों ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1s के प्लेस पे 9 है और 1000 के प्लेस पे 4। तो ऐसा यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन बी। फिर भी हम देख लेते हैं कि सेकंड वाला जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे बता रहा है कि जो 10s की जो डिजिट है वो जब 1000 नंबर से डिवाइड होगी तो क्वेश्चन आएगा 2। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्वेश्चन आएगा 2। अब थर्ड कंडीशन हो गया द डिफरेंस बिटवीन द 10s एंड 100s प्लेस डिजिट इज 1। सो यहां पर 100s प्लेस में है 7 और 10s प्लेस में है 8। सो 8 माइनस 7 हो जाएगा 1 जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 10, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द स्क्वायर। If the area of the whole figure is 384 square centimeter, then find the length of the rectangle. Question में जो इमेज दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि दो फिगर है, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। और पूरे फिगर का जो एरिया है वो दिया गया है 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या है, हमें एक साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है और चारों साइड जो स्क्वायर का होता है वो इक्वल होता है। इससे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता चल जाएगा। फॉर्मूला है साइड इंटू साइड जो कि हो गया 18 × 18 दैट इज इक्वल टू 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पूरे फिगर का एरिया दिया गया है जो कि है 300 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसमें से हमने ऑलरेडी स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, होल एरिया में से माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया को। 384 माइनस 324 बच जाएगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हो गया रेक्टेंगल का एरिया। यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1/3 लेंथ ऑफ एज ऑफ स्क्वायर। तो एज ऑफ स्क्वायर कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ हो गया 6 सेंटीमीटर, एरिया हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 60 इज इक्वल टू एल इनटू 6, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर।